डियर चिल्ड्रेन, मैं दुलारचंद दास स्वागत करता हूँ आप सभी का। बच्चों, कहा जाता है कि मनुष्य की तीन सबसे मुख्य आवश्यकताएं हैं, जिसमें से रोटी, कपड़ा और मकान कहा जाता है। भोजन हमारी मुख्य आवश्यकता है और सबसे प्रथम आवश्यकता है। हम लोग, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कई प्रकार की सब्जियाँ नहीं खाते हैं, और आज के समय में बहुत ज़्यादा देखा गया है। वे हमेशा बतलाएंगे कि मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, कई तरह की सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ जो है वो नहीं खाते, और इससे उसको कितने नुकसान होते हैं। इस चैप्टर में इस तरह का दिया हुआ है, ऐसा चैप्टर आप लोग देख रहे हैं। ये बच्चा जो है खाना खा रहा है, उसकी माँ उसे खाना दे रही है। तो आइए हम लोग देखते हैं और इस चैप्टर में क्या बताया जा रहा है। यह चैप्टर 14 और ये क्लास 3 का इंग्लिश बुक है। चैप्टर का नाम है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स मतलब होता है सब्जियाँ। और हम लोग जब नीचे क्लास में रहते हैं, बच्चे जब LKG UKG में रहते हैं, उसी समय सब्जियों के नाम लिखने के लिए उसे सिखाया जाता है। कई प्रकार की सब्जियाँ होती है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स। हम लोग अलग अलग प्रकार की सब्जियां खाते हैं। दे आर रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इनमें काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं। सो वी मस्ट ऐड वेजिटेबल्स टू आवर डेली फूड। इसीलिए हम लोगों को अपने रोज के भोजन में सब्जियां जरूर खानी चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स आर वेरी यूजफुल फॉर आवर हेल्थ। हरी सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। वी मस्ट हैव मोर वेजिटेबल्स इंस्टीड ऑफ ऑयली फूड एंड जंक फूड्स। हम लोगों को ऑयली फूड और जंक फूड के जगह पे हरी सब्जियों का अत्यधिक उपयोग करना चाहिए। उसके जगह पे हम लोगों को हरी सब्जियां खाना चाहिए। ऑयली फूड जैसे पकवान हो गए, उसमें ज़्यादा तेल रहता है, और जंक फूड जो बाहर हम लोग खाते हैं, पिज्ज़ा होता है, बर्गर होता है, इस तरह की चीज़ें, लेकिन फिर भी लोग उसको काफ़ी पसंद करते हैं। इट इज़ गुड टू ईट वेजिटेबल्स रेगुलरली टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी। ये बहुत अच्छी बात है। सब्जियों को हम लोग हर रोज़ उपयोग करें, यह हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, यह सुरक्षा प्रदान करता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। वेजिटेबल्स फॉर्म ए हेल्दी डाइट। सब्जियां एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन के रूप में होता है। दे कीप आवर स्टोमैक फुल फॉर लॉन्गर टाइम। यह हमारे पेट को काफ़ी समय तक भरा हुआ रखता है। कहने का मतलब है कि हमें लंबे समय तक भूख नहीं लगता है, अधिक समय तक हमें सब्जियों से ताकत मिलती रहती है। और इसके आगे, सम वेजिटेबल्स आर वेरी ईजी टू एडेड इन डेली फूड। कुछ सब्जियाँ ऐसे हैं जो रोज़ के भोजन में हम लोग उसको उपयोग कर सकते हैं, खा सकते हैं। दे आर टोमेटोज, ब्रोकली, कैरोट, स्पिनिच, गार्लिक, ऑनियन, etc. जिसमें से टमाटर है, ब्रोकली जो हरे कलर का फूलगोभी जैसा होता है तो उसको ब्रोकली बोला जाता है, कैरोट गाजर हो गया, स्पिनिच पालक हो गया, या और तरह के कोई साग हो गया उसको भी स्पिनिच में ही बोला जाता है, गार्लिक लहसुन हो गया, ऑनियन प्याज, और इस तरह के कई सारे सब्जियां हैं जो हम लोग रोज़ के भोजन में उपयोग कर सकते हैं। दीज आर कॉमन वेजिटेबल्स। ये सामान्य वेजिटेबल हैं। दे आर अवेलेबल एवरीवेयर। ये सारी चीज़ें जो है हर जगह आप लोगों को मिल जाएगा, और हम लोग अपने घरों में इसका उपयोग करते हैं। वेजिटेबल्स डाइजेस्ट वेरी इजीली। सब्जियाँ आसानी से पच जाते हैं। कई सारे भोजन होते हैं जो पचने में प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन सब्जियाँ जो हरी सब्जियाँ होती है वो आसानी से पच जाते हैं। दे रेगुलराइज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे पाचन तंत्र को नियमित बनाए रखते हैं, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा बनाए रखते हैं। द मोर वेजिटेबल्स वी टेक द मोर हेल्दियर वी बिकम। अगर हम लोग ज़्यादा सब्जी लेते हैं तो हम लोग ज़्यादा हेल्दी होंगे, क्योंकि सब्जियों में अधिक पोषक तत्व होता है। सो वी शुड टेक मोर वेजिटेबल्स देन राइस और व्हीट। इसीलिए हम लोगों को चावल या रोटी से उससे भी ज़्यादा हम लोगों को सब्जी खाना चाहिए, ऐसा बतला रहा है। लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, ज़्यादातर लोग राइस जो है, चावल और रोटी ज़्यादा खाते हैं, सब्जी उससे थोड़ा कम ही लेते हैं, लेकिन ऐसा बतला रहा है कि सब्जी हमें उससे भी अधिक खाना चाहिए। वी शुड टेक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एवरी डे। हमें हरी पत्तेदार सब्जियां रोज़ाना लेना चाहिए। लीफी वेजिटेबल्स आर वेरी यूजफुल। हरी पत्तेदार सब्जियाँ जो होती है हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती है। वेजिटेबल्स आर वेरी यूजफुल फॉर किड्स। बच्चों के लिए सब्जियाँ बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। सम चिल्ड्रेन अवॉइड वेजिटेबल्स। जैसा कि मैं बतला रहा था कि कई सारे बच्चे होते हैं जिन्हें हरी सब्जियां, कई प्रकार की हरी सब्जियां खाना पसंद नहीं होता। इट इज़ बैड। यह अच्छी बात नहीं है, यह ख़राब बात है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। चिल्ड्रेन मस्ट टेक वेजिटेबल्स मोर एंड मोर। बच्चों को अधिक से अधिक मात्रा में हरी सब्जियां खानी चाहिए। यहाँ पे कई प्रकार की सब्जियों का पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। यह इस चैप्टर में कुछ वर्ड्स दिया हुआ है, न्यू वर्ड्स है, आप लोगों को इसको पढ़कर याद कर लेना है, और इसमें
ये चैप्टर छोटा था इसीलिए क्वेश्चन भी कम दिया हुआ है, 3 क्वेश्चंस दिया हुआ है यहाँ पे, और इसमें कुछ मिलाने के लिए दिया हुआ है, मैचिंग द मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी, इसको मैच करने के लिए दिया गया है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन इसमें है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में इसको प्लुरल में चेंज करने के लिए कहा गया है, ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन है। और यहाँ पे नीचे में क्वेश्चन नंबर 4 में राइट द नेम्स ऑफ एनी 10 वेजिटेबल्स विथ करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे 10 वेजिटेबल का नाम लिखने के लिए कहा गया है। तो आइए मैं आप लोगों को इसका आंसर बना के दिखाता हूँ। ये चैप्टर 14 का क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट वेजिटेबल्स आर वेरी इजीली टू बी एडेड इन डेली फूड, टोमेटोज, ब्रोकली, कैरोट, स्पिनिच, गार्लिक, अनियन, इटीसी आर द वेजिटेबल्स टू बी एडेड इन डेली फूड। व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स शुड वी टेक डेली, वी शुड टेक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डेली, राइट द नेम्स ऑफ सम कॉमन वेजिटेबल्स, पोटेटो, टोमेटो, अनियन, कैरोट, पीज, गार्लिक, इटीसी आर सम कॉमन वेजिटेबल्स। क्वेश्चन नंबर 2 में मैच करने के लिए दिया गया है और इसका यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दिया गया है, जैसे कि ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, इस तरह से आप अपने बुक में क्वेश्चन को देखकर उसमें आप मैच कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में प्लूरल में चेंज करने के लिए कहा गया है, तो इसका भी डायरेक्ट आंसर दिया गया है, आप अपने बुक से क्वेश्चन को देखकर आप आंसर यहाँ से भर सकते हैं। और यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अगर हमारी वीडियो से आप लोगों को पढ़ाई में थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।